शिक्षक बोलने लगा है तो डांस कर रहा है तो मुरली उसके हाथ में दिखाई यानी कि कृष्ण मुरली वैसे कराते हैं मुरली बजा तो ये मुरली अगर बजाते रहो सारे ये मुरली अंदर बजती रहे सारा दिन तो ये पांचों प्रकार हमारे वश में आए ये देवान में हमारे विजय प्राप्त होते हैं तो जब ये दिल में सारा दिन मन बुद्धि संस्कार मन में दिल में चलता रहेगा तो हमारा विवेक कैसा हो जाएगा हमारा विवेक ने सत्य को प्रतिष्ठित किया है तब हम राइट को राइट करते हैं रॉन्ग को रॉन्ग रॉन्ग करते हैं हमारा विवेक एकदम एकदम ईश्वर जैसा होता है पाप समान हमारा विवेक विजडम हमारी एकदम ईश्वर जैसी होती है तब हमारी यथार्थ निर्णय करने की शक्ति क्या होती है एक्यूरेट होते हैं हम यथार्थ निर्णय करेंगे राइट हमारी दिव्य बुद्धि बन जाएगी दिव्य बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि जिस बुद्धि में ज्ञान होगा जिस बुद्धि में हम स्वरूप बन गए ज्ञान ज्ञान खाली सुनने सुनाने का नहीं है बोलने का नहीं है हम उसके स्वरूप बन गए और फिर हमारा चित्त कैसा हो जाएगा चित्त छह शक्तियों से बना होता है पहले बताया तब हमारा जब निर्णय ठीक हो जाएगा तो हमारा विस्तार को सामना शक्ति जो हमारी मन बुद्धि विस्तार में फैला हुआ विस्तार होगा देह देह संबंध संपर्क देह के पदार्थ देह के स्वभाव संस्कार में फैला हुआ उसकी बजाय हमारा दिल कहाँ चला हमारी मन बुद्धि कहाँ चली जाएगी समेट के एबीसीडी में आत्मा में मैं आत्मा हूँ मैं देह नहीं हूँ आत्मा मैं उसकी संतान हूँ उनकी संतान नहीं है इनसे मेरे संबंध उससे मेरे सारे संबंध है इनसे मेरा फर्ज है ड्यूटी है मुझे उससे कर्म लेकर इनको देने उससे शांति प्यार खुशी लेकर इनको बांटते